This video is brought to you by Infinix Hot 10S. अब चाहे अप डाउन लेफ्ट राइट स्क्रॉल करो या स्वाइप, 48MP ट्रिपल कैमरा और 90Hz एक्स्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले के साथ नया Infinix Hot 10S स्टार्टिंग एट जस्ट ₹9999. विराट कोहली भारतीय क्रिकेट या फिर यूं कहें कि मौजूदा समय में वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे फिट क्रिकेटर। विराट कोहली का डाइट प्लान, उनकी दिनचर्या को हर कोई जानना चाहता है, हर कोई इस पर रिसर्च करता रहता है। हाल में ही इंस्टाग्राम AMA यानी कि आस्क मी एनीथिंग सेशन में विराट कोहली ने अपने डाइट प्लान पर बहुत सारी बातें बताई। इस बातचीत के दौरान विराट ने अपना डाइट प्लान बताया, इसमें अंडा भी शामिल था। बस इसी अंडे की वजह से उनके शाकाहारी होने पर कई लोगों ने सवाल उठा दिए। दरअसल इस सेशन में विराट से उनका डाइट प्लान पूछा गया, विराट कोहली ने खुलकर इसका जवाब दिया। विराट कोहली ने कहा, बहुत सारी सब्जियां, कुछ अंडे, 2 कप कॉफी, दाल, क्विनवा, बहुत सारा पालक। वेस्ट दिल्ली के रहने वाले विराट कोहली ने कई बार बताया है कि वो दिल से बड़े वाले फूडी हैं, लेकिन क्रिकेट की वजह से खुद को फिट रखने के लिए उन्होंने अपने खाने की आदतों को बदल दिया। साल 2019 में विराट कोहली ने कहा था कि वो पूरी तरह से शाकाहारी हो गए हैं। साल 2018 से ही उन्होंने मीट, दूध और अंडा पूरी तरह से छोड़ दिया है। लेकिन इस AMA सेशन में विराट कोहली ने अपने डाइट चार्ट में अंडे का जिक्र किया तो लोगों के रिएक्शन आने लगे। शैली सिंह नाम की यूजर ने लिखा, लगता है विराट कोहली शाकाहार को बढ़ावा देने के स्पॉन्सर्ड पब्लिसिटी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे और अपना डाइट प्लान बताकर लोगों को शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन चुपके से अंडों को अपनी फिटनेस का राज बता गए। विराट कोहली ने इस सेशन में ये भी बताया कि क्वारंटीन में रहने के दौरान उन्हें डोसा खाना बेहद पसंद था, लेकिन वो भी एक सीमित मात्रा में। पूरे दिन में खाने में वो क्या लेते हैं, इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में विराट कोहली ने कहा, साधारण तरीके से बनाया हुआ भारतीय खाना और कई बार चाइनीज भी, बादाम, प्रोटीन बार और फल। विराट कोहली के वेजी होने या ना होने पर लोग कुछ भी कहें, वे अब इंग्लैंड उड़ने वाले हैं। दरअसल भारतीय टीम जून की शुरुआत में इंग्लैंड रवाना होगी, वहां उन्हें न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। इस फाइनल के बाद टीम इंडिया 2 महीने लंबे दौरे पर इंग्लैंड के साथ सीरीज भी खेलेगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात कुछ ठीक नहीं है। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकलें जब कुछ जरूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुक्रिया।